आशय से कक्षा 6वीं आपकी छात्रा आपके समक्ष पुस्तक समीक्षा लेके प्रस्तुत हूँ। पुस्तक का नाम खजाना कहानियों का लेखक। इस पुस्तक में कई सारे लेखकों की कहानियों का संकलन है। प्रकाशन चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट। प्रकाशन स्थान नई दिल्ली। पुस्तक प्राप्ति संख्या 1784। पृष्ठ संख्या 104। संपादक सुभद्रा मालवी। चित्रांकन सौरभ पांडे। पुस्तक का मूल्य ₹115। इस पुस्तक की कहानियों से हमें बहुत अच्छी सीखें मिलती हैं, जैसे कि पहली कहानी ने हमें सिखाया कि अपनी ही सबसे बड़ा खजाना है। तो इस पुस्तक में सबसे अच्छी कहानी मुझे शिक्षित बहु की कहानी लगी। इस कहानी के विषय में मैं अपने विचार आप सबके साथ बांटना चाहती हूँ। पूरे गांव में धूम मची थी क्योंकि बात भी बिल्कुल नहीं थी। पहली बार गरीब टोले में रहने वाले चमनलाल के बेटे रमनलाल का विवाह हुआ था। विवाह तो सभी का होता है, किंतु विवाह का खास बात यह थी कि बहू पढ़ी लिखी आई थी। गांव की वो पहली पढ़ी लिखी स्त्री थी। गांव के लोग बहुत ही अनोखी नजरों से देखते थे। कुछ महिलाएं उससे ईर्ष्या भी करती थी, परंतु वह सबसे आदर से बात करती थी। गाँव के साहूकार से करीबन सभी लोग धन उधार लिए थे। उसी में से चमनलाल ने भी ₹1000 लिए थे, जो बढ़कर 2000 हो गए थे। दो दिन से चमनलाल बहुत चिंतित थे, जिसे देखकर बहू को भी चिंता होने लगी। बहू ने चमनलाल से पूछा, पिताजी आप परेशान क्यों हैं? पिताजी ने जवाब दिया, साहूकार धमकी देकर गए कि कल तक उसके रुपए नहीं लौटाए तो वह हमारी झोपड़ी छीन लेगा। अभी रमनलाल भी शहर से वापस नहीं आया। बहू ने बोला, पिताजी आप चिंता मत करिए, बस कल आप जल्दी काम पे चले जाइएगा। बहू ने कहा, पिताजी आज आप छप्पर छानने का काम करिएगा। और फिर वह अपनी सास के पास गई और बोली, मां जी आपको पंडिताई ने बुलाया है। मां जी भी चली गई। कुछ देर बाद दरवाजे पर आहट हुई। बहू ने दरवाजा खोला, वहां साहूकार था। साहूकार ने पूछा, पिताजी और माताजी कहां गए हैं? बहू ने जवाब दिया, पिताजी तो भगवान का पानी रोकने गए हैं और माताजी एक का दो करने गई हैं। साहूकार खींच उठा, उसे कोई बात समझ नहीं आई। फिर उसने बहू से पूछा। बहू ने जवाब दिया कि मैं आपको जवाब तो दूंगी, लेकिन मैं हर अर्थ का ₹1000 लूंगी। साहूकार सहमत हो गया। बहू ने पहले जवाब का अर्थ बताया, पिताजी भगवान का पानी रोकने का मतलब यह नहीं कि पिताजी स्वर्ग चले गए हैं, उसका अर्थ है पिताजी किसी के पक्का का छप्पर बना रहे हैं। जब भगवान पानी बरसाएगा तब पिताजी का बनाया छप्पर उस पानी को रोकेगा। बहू ने कहा, मेरे ₹1000 दीजिए। साहूकार